Yeah, I believe it is. हेलो गाइस, आज हम लोग करने वाला है कुछ इस तरह की रील्स एडिटिंग जो आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा। तो गाइस, अभी के समय में ये वाला रील इंस्टाग्राम में बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है। गाइस, आप लोग भी कुछ इस तरह के रील्स क्रिएट करना चाहते हैं और इंस्टाग्राम में अपलोड करके व्यू लाना चाहते हैं तो वीडियो पूरा एंड तक देखना। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो गाइस, चलते हैं आज की इस नई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इसके लिए आपको VN एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। VN एप्लीकेशन में आ जाने के बाद गाइस, हमें यहाँ प्लस वाले आइकन में चले जाना है और यहाँ से हमें न्यू प्रोजेक्ट में चले जाना है और यहाँ से एक वीडियो ऐड कर लेना है। तो गाइस, मैं उस वीडियो को अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया हूँ। आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया हूँ, आप इसको वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और गाइस, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि सारे मटेरियल्स को मैं वहीं पर अपलोड करता हूँ। तो मैं इस वीडियो को यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद गाइस, हमें यहाँ फोटो वाले ऑप्शन में चले जाना है और यहाँ से हमें 11 फ़ोटो ऐड कर लेना है। तो मैं यहाँ से फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ, आप लोग भी कर लेना। तो गाइस, फ़ोटो सिलेक्ट हो जाने के बाद हमें यहाँ एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो गाइस, ये हमारा ऐड हो गया है। तो वीडियो को जो एंडिंग पार्ट में जो ब्लैक कलर का वाटर मार्क दिखाई दे रहा है, इसको हमें यहाँ से डिलीट कर लेना है। उसके बाद गाइस, हमें यहाँ टैप टू ऐड म्यूजिक में चले जाना है और म्यूजिक के ऑप्शन में जाके एक म्यूजिक ऐड कर लेना है। तो गाइस, मैं इस म्यूजिक को भी अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया हूँ, इसको भी आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। उसके बाद गाइस, हमें यहाँ म्यूजिक बीट्स में चले जाना है और बीट को मार्क कर लेना है। तो गाइस, मैं बीट को ऑलरेडी मार्क करके रखा हूँ, आप यहाँ से देख सकते हो हमारा कितना कितना सेकंड में बीट मार्क हुआ है। तो गाइस, बीट मार्क हो जाने के बाद हमें यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। तो गाइस, इतना हो जाने के बाद हमें जो फर्स्ट वाले जो वीडियो है इसमें ऑलरेडी म्यूजिक लगा हुआ है तो इसके म्यूजिक हमें यहाँ से कट कर लेना है। तो गाइस, उसके बाद हम जहाँ पे बीट को मार्क किए हैं हमें वहाँ पे क्लिक कर देना है और फोटो को वहाँ पे जाके ट्रिम कर लेना है। तो मैं ऐसे ही सब में कर लेता हूँ, आप लोग भी कर लेना। तो गाइस, उसके बाद इसमें हमें अब इफेक्ट सेट कर लेना है। तो उसके लिए हमें यहाँ सेकंड वाले फ़ोटो में चले जाना है और यहाँ से हमें इफेक्ट्स वाले ऑप्शन में चले जाना है और यहाँ से हमें जूम इन को सिलेक्ट कर लेना है और गाइस, इसको अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर देना है। तो गाइस, ये हमारे सभी पार्ट पे अप्लाई हो गया है। तो इसका यूज हमें फर्स्ट वाले वीडियो में नहीं करना है, तो उसके लिए हमें फिर से इफेक्ट्स वाले ऑप्शन में चले जाना है और यहाँ से हमें नोन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइस, हमें यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। तो गाइस, उसके बाद हमें फर्स्ट वाले फ़ोटो में भी इस इफेक्ट का यूज़ नहीं करना, तो उसके लिए हमें फिर से जूम वाले ऑप्शन में चले जाना है और यहाँ से हमें नोन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइस, हमें यहाँ से राइट पे क्लिक कर देना है। तो गाइस, ये हमारा एडिटिंग कम्प्लीट हो गया है, इसको मैं प्ले करके दिखा देता हूँ। तो गाइस, ये हमारा वीडियो रेडी हो गया है। उसके बाद हमें यहाँ एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन में चले जाना है और यहाँ से हमें वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। तो गाइस, ये हमारा वीडियो एक्सपोर्ट हो रहा है, तब तक हम वेट कर लेते हैं। तो गाइस, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।